प्यारे दोस्तों, आज मैं इस पक्षी को लेके आया हूँ। मकसद यह था कि इसको आजाद करना है। इस पक्षी से बहुत कुछ मुझे सीखने को प्राप्त हुआ। कुछ घंटे ही हुए हैं तथा ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिली हैं कि अगर मनुष्य इन बातों को अपने यूज में लाए तो बहुत कुछ सीख सकता है। पहली बात है शांति। देखो, जो पक्षी है ना, कितने शांत स्वभाव के हैं। मनुष्य है कि हमेशा ही अशांत रहता है। कभी उसको कल की चिंता है, कभी उसको आज की टेंशन है। हर समय उसका जो मन है ना, वो अशांत रहता है। इन पक्षियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी शांत स्वभाव होना चाहिए। परमात्मा पे इनको जैसे विश्वास है कि देने वाला तो वही है, जो देना है उसी परमात्मा ने हमें देना है, तो किसी भी बात की हमें टेंशन नहीं रखनी चाहिए। यह इन पक्षियों से हम सीख सकते हैं। तथा दूसरी बात है कि ये बुद्धिमान भी है। देखो, बुद्धिमता कैसे है कि अगर आपको इस एंगल में घुमाते हो तो अपने आप इतने होशियार हैं कि अपने आप ही उसी तरह एडजस्ट हो जाते हैं। कोई चीखा नहीं, चिल्लाए नहीं है। मनुष्य जो है ना, उसको अगर कहीं से कहीं लेके जाया जाए, चीखेंगे चिल्लाएंगे। या ठीक है, देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया, आराम से शांति से ऐसे हो गए। कितनी एडजस्टमेंट है। हमें अपने लाइफ में एडजस्टमेंट इनसे सीखनी चाहिए। लाइफ को देखो, इसने इसको मैंने फिर बिल्कुल उल्टा दिया। देखो, अपने आप ही ऊपर आ गए शांति से, बड़े प्यार से, जहां उनको बिठाओ बैठ जाते हैं। बुद्धिमता से काम लेते हैं। परमात्मा ने इनको ऑटोमेटिक दिमाग दिया हुआ है, हमें भी दिमाग दिया हुआ है। हम उसका सदुपयोग नहीं करते। आपस में झगड़ा करना, ठीक है, डिबेट करना तथा टाइम को वेस्ट करना, यही हमने सीखा है। और जो तीसरी बात है, ये जो पक्षी है ना, ये खुश रहते हैं। खुश रहते हैं, खुशी के लिए इन्हें बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं है। खुशी के लिए इनको एसी की आवश्यकता नहीं है। खुशी के लिए इनको कारों की आवश्यकता नहीं है, मकान की आवश्यकता नहीं है। खुशी के लिए इनको सिर्फ एक अच्छा स्थान चाहिए, जहाँ शांति हो, कोई इनको डिस्टर्ब ना करे। तो यह उसी में ही बहुत खुश रहते हैं। जो रुखी सुखी इनको मिल जाए तो हम भी इसी तरह खुश रहना सीखें। धन दौलत ऐशो आराम में सुख नहीं है, परमात्मा के नाम में सुख है। हमें दिन रात उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 84 लाख जूनियों में हम नहीं है, हम मानव जूनी में हैं। तथा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी सदगति हो। ओम शांति।